जब आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं और इधर उधर एडवाइस लेते हैं, लोगों से पूछते हैं मार्केट सर्वे करते वक्त कौन सा बिजनेस करूं, रियल मार्केट में जा रहे हैं, फीडबैक्स ले रहे हैं, आसपास वालों से पूछ रहे हैं, पर आपके सामने बहुत से ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आपको जो फीडबैक्स मिल रहे हैं कि आप काम नहीं करें, ऐसे सलाह दे रहे हैं लोग आपको, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिजनेस कौन सा करें, तीन चार बिजनेस में कन्फ्यूज हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है इस मामले में कि बिज़नेस शुरू कैसे करा जाता है और उसमें सफलता तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो कहाँ से क्रिएट होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। जितने भी आपके माइंड के डाउट हैं आज क्लियर हो जाएंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा कि इस वीडियो में फोकस होकर देखना है ताकि आप अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी ला पाएँ। देखिए, बिज़नेस शुरू करने से पहले अगर आप मार्केट सर्वे करके देखते हैं, वहाँ पर फीडबैक्स लेने जाते हैं रियल मार्केट में, या फिर आप अपने आसपास वालों से पूछते हैं कि काम करें या ना करें, तो बहुत से लोग आपको एक सलाह देते हैं कि इस फील्ड में कंपटीशन है, आप इस फील्ड में ना आइए, ये फील्ड अब सैचुरेट हो चुकी है, अब अगर आपको शुरू ही करना है तो कोई और काम कर लीजिए, हम खुद परेशान हैं, हम खुद अटके हुए हैं। आप गारमेंट सेक्टर में किसी से भी सलाह ले लेना, गारमेंट सेक्टर में जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं वो ये बात आपको बोलेंगे, फूड इंडस्ट्री में जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं वो ये आपको बात बोलेंगे। इसके साथ साथ स्नैक इंडस्ट्री में अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप किसी से सलाह लेंगे जो कम पैसा कमा रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आपको ये बात बोलेंगे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आप किसी से सलाह लेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आपको वही लोग एडवाइस देंगे जो लोग अपने बिजनेस में आगे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने मार्केटिंग एंड रिसर्च को नहीं संभाल पाते हैं, जो अपने सेल्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन्होंने एक टाइम पे मेहनत कर ली है, अब वो आगे बढ़ने की जो सोच थी वो खत्म हो गई है, अब थोड़े बहुत क्लाइंट बने हुए हैं, वो क्लाइंट क्या है, रिटेन हो जाते हैं, कुछ एक क्लाइंट रेफरल से आ जाते हैं, पर वो अपने बिजनेस में मार्केट नहीं करते हैं। पर देखेंगे उनके बाद में जिन्होंने बिजनेस शुरू करा और स्ट्रेटेजी वाइज काम करा, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग वहीं अटके रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लेंगे जो खुद के बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। स्टार्टिंग में आप जब भी बिजनेस शुरू करने का सोचेंगे तो ये देखिए कि अगर आप अपने मार्केट को रिसर्च करते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो क्या कहेंगे वो आपसे कि ब्रांड का प्रोडक्ट चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रांड तो मार्केट में चलता है, पर अगर आपका इंटेंट होगा, इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। डायमंड की केस स्टडी हमने बनाई थी, रवि कुमार ने अपने बिजनेस की शुरुआत बहुत स्मॉल स्केल पर करी थी। एल्पिनो पीनट बटर की केस स्टडी हमने बनाई, वहां पर क्या हुआ, पैकिंग टू सेलिंग उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करा। हमने गोली वड़ा पाव की सक्सेस स्टोरी बनाई, वहां पर उन्होंने बिजनेस कहां से शुरू करा, एक ठेले पे खड़े होकर बिजनेस का आइडिया आता है उनके माइंड में। इसके साथ साथ हमने एक ठेले वाले रोहित वड़ा पाव की सक्सेस स्टोरी को कवर करा, जहां पर एक ठेले से 20 ठेले कर दिए, महीने के कमाते हैं 5 लाख रुपए। तो आप देखिए कि अगर आप उन लोगों से सलाह ले रहे हैं जो लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, अपने बिजनेस में एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि उनकी फील्ड में कंपटीशन है, उनसे ये पूछिए कि आप अपने बिजनेस में कितना परसेंट ग्रोथ कर रहे हैं हर साल, तो उन्हें लगता है कि कस्टमर्स जो पहले था वही आ रहा है। तो ऐसे अगर आप हर किसी से सलाह लेंगे और उस फील्ड को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो जो लोग आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे आप उन्हीं की बात मान लेंगे, और इसी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हो वहाँ पर कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन दिखाएंगे। अब नेक्स्ट रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है एक माइंडसेट के अलावा, प्रोडक्ट कर्व होता है और बिजनेस में कर्व होता है। कैसे समझिए, जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले तक आपने देखा होगा कि सीडीज जो चलती थी डीवीडी प्लेयर में, वो उसका काफ़ी ट्रेंड था, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी में चेंज आए, नए नई रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो जो 6-7 GB की जो डीवीडी होती थी आज के टाइम पे उसकी डिमांड कम हो गई और डीवीडी प्लेयर गायब हो गए। तो किस चीज़ ने जगह ले ली इस इंडस्ट्री में, मेमोरी कार्ड्स ने। आज मेमोरी कार्ड भी गायब हो गए, करवाया टेक्नोलॉजी ने वापस चेंज करा, तो इनबिल्ट मेमोरी कार्ड आने लग गए और आज के टाइम में फ़ोन में मेमोरी ज़्यादा आने लग गई। तो ऐसा क्या होता है कि अगर आप एक फील्ड में किसी भी काम करते हुए लोगों को देखेंगे तो वो अपने फील्ड में चेंज नहीं करते हैं, और चेंज नहीं करने के कारण वो अपने आप को अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो फील्ड में फंसे हुए होते हैं। इस बात का सीधा सा कनेक्शन होता है आपके माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट कमाने का है, उस फील्ड में आपका ध्यान है, तो आप उसमें टिके रहेंगे। बहुत सी ऐसे लोग हैं जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने काम को करते आ रहे हैं,
और जो प्रोडक्ट लेकर आए थे स्टार्टिंग में उन्हें टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनमें बहुत सी पैकेजिंग चेंज कर दी और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया, पर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाए और वो क्या कर पा रहे हैं आज के टाइम में, उनकी शॉप अगर आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो वो बहुत पुरानी सी दिखेगी। उनके बिजनेस अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, कोई बहुत पुराने लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को अपडेट करके चल रहे हैं और कुछ लोग अपडेट करके नहीं चल रहे हैं। तो इसी वजह से आपको ये देखना है कि हर फील्ड में अपडेट करना जरूरी है। तो आप भी अगर फील्ड में आ रहे हैं तो आप अपने आप को अपडेट करने के लिए सोचिए। अगर आपने उन लोगों को देखकर अपने प्रोडक्ट को बनाने का सोचा है जो मार्केट में चल रहे हैं, उसके अलावा आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग नहीं है, तो आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो करने में बहुत सा टाइम लगा देंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस में कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि करें क्या, किस तरह से नेगेटिव फीडबैक पर काम करें, कैसे आगे बढ़ें, तो एक चीज़ सोच लीजिए। हमारे चैनल पर मार्केट सर्वे के बहुत से वीडियोस हैं, मार्केटिंग एंड रिसर्च के बारे में हमने डीपली स्टडी करके दिखाई है, वो कि फ्री में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें क्या है, हमने हर एक चीज़ बताई है, रियलिटी भी बताई है, उसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ भी बताई है कि जो लोग रियलिटी पे काम करेंगे और साथ में पॉसिबिलिटीज़ ऐड कर देंगे, कि जैसे मैं अपने बिज़नेस को शुरू करता हूँ अपने शहर में, तो मैं उस पर देखूँ कि मेरे शहर में कितनी मार्केट है, कितने लोग हैं, किस हिसाब से डेमोग्राफी के, जियोग्राफी के, कस्टमर का एक बाइंग बिहेवियर देखूँ, उसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करूँ कि कौन से इनकम स्टेटमेंट वाले कस्टमर को मैं टारगेट करने वाला हूँ। उसमें आपको सामने आएगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो बल्क में आपके सामने जहाँ बचपन से आप रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सा कस्टमर आपको दिखेगा, आपकी तहसील आपका मार्केट आपको लगने लग जाएंगी, तो आप उसके हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ये देखेंगे कि ब्रांड चल रहा है और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। आप ये देखिए कि किसी भी प्रोडक्ट की जो शुरुआत हुई होगी वो एक कस्टमर से हुई होगी, उस प्रोडक्ट को एक कस्टमर ने परचेस करा होगा, तो बिजनेस में आपको एक कस्टमर चाहिए सबसे पहले। और हमने हमारे बहुत से ऐसे वीडियोज में बताया है कि आपको अपने बिजनेस में फर्स्ट 1000 कस्टमर्स कैसे लाने हैं, कैसे 100 रिटेलर्स तक पहुंचना है, होलसेलर्स तक पहुंचना है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप इस तरह से काम करिए। अगर आप ऑफलाइन में और भी कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अपने आसपास के एरिया को टारगेट करिए, वहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाइए। तो क्या होगा कि आपको अपने बिजनेस में पता चल जाएगा कि मैं कुछ अलग करूँगा अपने बिजनेस में, मैं औरों की तरह ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉलो नहीं करूँगा, मैं बिजनेस स्ट्रेटजी से चलूँगा। अगर मैं बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाऊँगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को जल्दी बूस्ट कर सकता हूँ औरों के सामने। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी भी काम को शुरू करना कैसे है। देखिए, उसमें स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर अगर आपके जो माइंड में थॉट है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे चाहिए, उस फील्ड में आप या तो जीरो से स्टार्ट करिए, या फिर एक पायदान से करिए, या फिर दो पायदान से करिए। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मार्केट में आने से पहले ये देख लीजिए कि आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं एक्चुअली। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर हैंड टू हैंड दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, फिर प्रोडक्ट शिफ्ट करते करते बिजनेस शिफ्ट कर देते हैं, फिर बिजनेस शिफ्ट करते करते वो बिजनेस को ही छोड़ देते हैं और बिजनेस को ही बुरा बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, पहले विजन लेकर चलिएगा कि अगर आप कोई फूड का काम करना चाहते हैं तो उस फूड इंडस्ट्री में आपको सबसे पहला जो आपका विजन होना चाहिए कि मैं बेस्ट फूड प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में आपका विजन होना चाहिए कि मैं बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपने आप को आगे एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि आपको अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, सेल्स एंड नेटवर्क पर फोकस करना है। अगर नेटवर्क नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट कितना भी बन जाए काम नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये पूरे के पूरे विजन पर डिपेंड करती हैं। अगर विजन नहीं होगा तो क्लैरिटी नहीं हो पाएगी और स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जो लोग देखते हैं। तो अगर आप बिजनेस में सीखना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जहां पर हमने मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स बनाया है और एक बिजनेस मास्टरी कोर्स बनाया है जो आपको बताएगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग से लेकर आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं।